बाकी मेरे सारे पैर ही सिर्फ पैरों ठीक है, बस ये जो हमारे बैठे हुए ना येलो से सिर पे से, इस बेचारे को कुछ मसला है, मेरे ख्याल बुखार है या क्या चीज़ है इसकी। मैं देखता हूँ, इसको दवाई देता हूँ। और ये जो है इसका एक पाँव कटा हुआ है, पता नहीं इसको भी कुछ मसला है। बाकी सारे ठीक है, हमने चौक भी लगा दी थी, ये सारी लगा दिए थे कि सुकून से रहेंगे। बाकी वो खुश खुश ऊपर बैठे, वो झूले पे एक बैठा हुआ है, बाकी नीचे बैठे हुए हैं, वो सो रहे सुकून से, वो बैठे हुए उधर बड़े प्यारे लग रहे हैं। व्हाइट वाले भी प्यारे हैं, वो दूसरे भी प्यारे हैं, बाकी जो हमारे पैरिट हैं वो भी प्यारे हैं, स्पैरो भी प्यारी खुश फिर रही है, घास में वो बैठी हुई नजर नहीं आते कभी कभी घास में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। तो मैं अपनी मुर्गियों को इस टाइम ये देता हूँ, ये रोटी और ये थोड़ी सी मैंने प्याज दी है कि इनका जायका बदल गया, तो इनको रोटी अच्छी है। मैं आज ऊपर नहीं आया तो देखा ये पानी का जो बर्तन में सारा खत्म पानी हुआ है इसके अंदर, मैं इनका पानी भी डाल देता हूँ, पता नहीं कब की प्यासी मिल। तो मैं पहले अपनी बहन है उन्हें पानी रख देता हूँ। देखो ये रोटी बहुत शौक से खाती है, वो प्याज वैसी की वैसी पड़ी, रोटी शौक से खा रही। तो जो हमारी डक है उनको हम ये रख देते हैं, रोटी डाल देते हैं, वो भी कौन से खा लें। इसे क्या हुआ? ये जो हमारी डक है ना, इसके टांग का मसला है क्या? मान ये वाली जो टांग है ना, इसे चला नहीं जा रहा है, तो पास करता खा ले तो अच्छा होगा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इससे। तो क्या हो गया इसको, कोई चोट चोट भी नहीं लगी जिसको मैं सही कर लूँ, उससे मसला ही बना है कोई टांग का इसकी। देखते हैं अब मालिश करूँगा, दो दिन तो ये सही चल पड़ेगी। बाकी वो देखो वो एक तो सही है, खा लो थोड़ा सा, इसको अब हाथ से खिलाना पड़ेगा, इसको जो है अब हाथ से खिलाना पड़ेगा। तो इसको जो है ना, अब इसकी जो ये टांग है ना वो खराब हो गई है, इसको मालिश करूँगा, दो तीन दिनों तक ठीक हो जाएगी। इसके आगे रख दे तो खा ले, खा लो कुछ, ये इधर से खा ले तो थोड़ी बहुत जो मेरी टेंशन है वो उतर जाएगी, वरना इसको हाथ से खिलाना पड़ेगा। हाथ से पता है परिंदा मुश्किल से खाता है, और ऊपर से ये हैं भी डक, बहुत डरती है मेरे से, कभी कभी आग पे आती है ये वाली। अब वो बेचारी का तो टांग का मसला है, वो आ भी नहीं सकती जब तक वो सही, पता नहीं सूखे पत्ते खाने जा रही है, अच्छा भला ये खाना पड़ा हुआ ये खा ही नहीं, वो लग गई पानी पी के गई है। इसको खिलाते हैं हाथ से, कोशिश करता हूँ खा ले, तो अच्छी बात होगी, खा रही है आते अच्छे तरीके से, तो ये टेंशन तो उतरी। अब वो टांग की टेंशन ही है, वो देखते हैं कितने दिनों में सही हो जाएगी। बेचारी के जो मसले ना, इसको मैं दवाई देता हूँ, इसकी मेडिसिन करूँगा ना, कई दिनों बाद ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं भी दवा करूँगा, आप भी दवा करना, ये ठीक हो जाए। पानी मालिश की है ना थोड़ी सी, खड़ी होड़ी फिर बैठ जा रही है। अब हम अपने तोतों के पास चलते हैं, उनको देखते हैं। जो हमारा एक पैरिट है ना, जिसका जो है सिर वो येलो सा है, वो बीमार हुआ है, उसे बुखार है पता नहीं क्या, अब उसको जाके मेडिसिन देते हैं, और इसका मुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसके भी जो साथी है ना, इसको इसके साथ छोड़ देते हैं, नीचे ले जाते हैं अभी ऊपर रहने को, खाने ये ले आओ। अब हम अपने पैरिट को देखते हैं ना, ये येलो वाला, ये हमारा पैरिट बीमार है, इसको बुखार हुआ है, इसको अब दवाई दे देते हैं हम टाइम पे, के फिर इसको और ज़्यादा ना मसला बने, काट भी रहा अभी बीमार हो कभी दवाई दे तो भैया इसका मुंह साफ कर देता है, बेचारे को दवाई दे दी, अब इसको छोड़ देते हैं। तो डक और जो हमारे पैरिट है उनको दवाई दी थी कल, तो मैंने डक को तो छोटे केज में बंद करके नीचे छोड़ा था, जो वो पैरिट था वो तो बड़े केज में था। अभी देखो देखो इतनी दवाई, इतनी वायरस हमने की बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके लिए ठीक है, बचाने मर गई है हमारी।
सेटअप पे एक ही डक बच गई हमारे, पहले दो होती थी इतनी प्यारी लगती थी, अब वो बेचारा अकेला हो गया। उसको अब से मैं अपने साथ ही रखूँगा, जब तक मैं इसके साथ चूड़ा से हूँ मेरे कुछ लेके आऊँ, वरना इसको अपने साथ ही रखूँगा। ये तो एक ना ये जो डक है ना ये रोटी शौक से खाती है, वरना जो बाजा होता है वो पानी में डाल दो शौक से खाती है। अब हम अपने पैरेंट के पास चलते हैं जिसको हमने दुआई दी थी। दो इधर एक इधर, बाकी सारे वाले हमारे सारे बड़े केज वाले बर्ड ठीक है। हम अपनी जो डक है उसे दफना के सबको दफनाने, बड़ा दुख हो रहा है। ये बेचारी भी फोटो हो गई, एक चिड़ी थी वो भी फोटो हो गई, इसे कहाँ पर दफनाना। कोई दिन नहीं दफनाना, बिल्कुल गेट के सामने दफना रहे। बोलियो हमने अपनी स्पैरो दुबई थी, उसकी ये निशानी रह गई है, बाकी सारी निशानी ना खत्म हो गई, ये रह गई निशानी। बाकी वो देखो किस तरह मरी बेचारी से खड़ा नहीं हो यार, मरे हुए की भी थोड़ी इज्जत कर ले, सीधा तो रख दे। मैं मरे हुए की भी इज्जत नहीं कर, खो दो। जब मेरी स्पैरो मरी थी मैं भी यहीं लगा बस। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया जो डक होती इसकी थी, लेकिन ख्याल भी मैंने किया था इसका बहुत सारा, लेकिन ना क्या करें, अल्लाह ने किस्मत में नहीं लिखी थी और मर गई बेचारी। बाकी अब इसे दफनाते हैं। रोड आ गया और एक मजे की बात बताऊं, ये डक की कब्र, ये स्पैरो की कब्र है, दोनों ऊपर जाके भी कहेंगे आस पास कब्र है, दोस्ती कर लेते। ये तो पहुंच गई कब की होगी, मुझे क्या पता कब बेचारी फोत हो गई। तू उस टाइम कुछ मैं उठा था ना, तब जिंदा थी नहीं पता नहीं तब क्या हुआ था, तब ना बैठी थी, उसके बाद खोद दो जल्दी पानी पीने आया, मैं खोद ये ले भाई खुद गया है, मेरा नाम बन गया, मैं तो तेरा नाम नहीं बनने दूंगा, ये देख रहे हो मैंने कर दिया, अब मेरा नाम बना इसका नहीं बना। चलो जी डक को दफना दे, आए आए बेचारी, इस पे भी आई हुई है मेरी पे ज्यादा आएगी दफा। कोई बात नहीं, मेरी जब स्पैरो दफन हुई थी इतनी बारिश हुई थी, इतना कुछ हुआ था, रेत नहीं हटी, मेरी पे इतनी धूप हुई है देख, मैं भी फूक मारूंगा हट जाएगा। चल जल्दी करो जल्दी, हम अपनी डाक की निशानी ये रखेंगे दरमियान में पत्थर लग नहीं गया, चल लग रहा नहीं, बहुत प्यारी बन गई है ना, लेकिन इसके नीचे जो प्यारी तो मैं कह रहा हूँ ये प्यारी नहीं करनी चाहिए, बच्चे खेल के खोदते हैं बतख ले जाएंगे कुत्ते। मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल हमजा के बर्ड को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने लगाई है ना तीन, इन तीनों में जो हमारी है ना स्पैरो, उन्होंने घास डालना शुरू कर दी, घोंसला बना रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक अंडे दे देंगे।